2024 में स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने अकाउंट में एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसे कैसे जमा कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में ए टू जेड सारा प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आपके पास स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड है और आप अपने अकाउंट पैसे जमा करने के लिए जाएं कभी भी स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से, तो यहाँ पर आपको अपना एटीएम कार्ड जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसे जमा करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज यानी शुल्क नहीं लगता है। अगर आप अकाउंट नंबर के माध्यम से पैसे जमा करते हैं तो यहाँ पे आपको चार्ज लगता है, यानी जो भी आपका पैसा रहेगा उसमें से कुछ पैसा आपका कट जाता है। तो इसके लिए आप कभी भी पैसे जमा करने के लिए जाए अपने अकाउंट में स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन पर, तो यहाँ पर आप ज़रूर अपने एटीएम कार्ड के ही माध्यम से पैसे जमा करें, इससे आपको कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, आपका जो चार्ज है वो बच जाएगा। ए टू जेड सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने अकाउंट में एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसे जमा कर सकते हैं। एटीएम पर आपको इस प्रकार से स्टेट बैंक का एटीएम डिपॉजिट मशीन यानी पैसे जमा करने वाली मशीन मिलेगी। तो एटीएम डिपॉजिट मशीन के यहाँ पे देखेंगे तो आपको एटीएम कार्ड डालने का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये बॉक्स बना होता है जो पैसे जमा करते हो तो ओपन हो जाता है, और यहाँ पे एटीएम मशीन के सारे बटन मिलते हैं आपको, और नीचे कुछ भी नहीं मिलता है। तो एटीएम कार्ड से अपने अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए सबसे पहले अपने स्टेट बैंक के एटीएम कार्ड को यहाँ पे स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन में डाल देना होगा। डालने के बाद एटीएम मशीन की स्क्रीन पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक मैसेज होगा, थोड़ा सा आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए लिखा हुआ मिलेगा प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज, उसके नीचे यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, जैसे आप किस भाषा में आगे बढ़ने वाले हैं अपनी भाषा चॉइस करेंगे। जैसे मैं हिंदी में सारा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ आपको, तो मैं यहाँ पे हिंदी पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से सारी चीज़ें हिंदी में आएंगी, जैसे लिखा हुआ है कृपया लेन देन का चयन करें, और उसके साइड में देखिए जमा बैंकिंग कई सारे ऑप्शन दोनों साइड मिलेंगे। तो आपको आगे बढ़ने के लिए जो ये साइड में आपको दिख रहा है जमा का ऑप्शन, उसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए इस प्रकार से आएगा लेन देन का चयन करें, यहाँ पे नगद जमा मुख्य कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, फिर तो आपको नगद जमा पर एक बार फिर से क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा, तो और ऑटोमेटिक आपके सामने इस प्रकार से आएगा, देखिए प्रति लेन देन 1 लाख यहाँ पर, और सेवा शुल्क 0, और साइड में आएंगे नीचे यहाँ पे जारी रखे जो लिखा हुआ है, आपको आगे बढ़ने के लिए इसी जारी रखे पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आ गया, देखिए लिखा हुआ है 10 और 99 के बीच में कोई 2 अंक यहाँ पे आपको टाइप करना है, 88, 85, 89 कुछ भी डाल के आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ भाषा बदले के ठीक नीचे हाँ वाला ऑप्शन है उसी ठीक सामने बटन दबा देना होगा। दबाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आएगा कृपया अपना पिन नंबर प्रविष्ट करें, यहाँ पे आप अपने एटीएम कार्ड का सीक्रेट पिन नंबर जैसे ही डालेंगे, डालने के बाद ऑटोमेटिक इस प्रकार से अगला ऑप्शन आ जाएगा, देखिए लिखा हुआ खाते का प्रकार चयन करें, यहाँ पे उसके नीचे चालू बचत, जैसे ज़्यादातर बचत खाता ही होता है तो बचत पर जैसे मैं क्लिक कर दिया आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पर देखिए आंतरिक प्रक्रिया चालू है, कृपया प्रतीक्षा करें। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये जो देखिए एटीएम मशीन का जो बॉक्स है जो मैं बताया था पैसे जमा करते वक्त ओपन हो जाता है, यहाँ पे देखिए ओपन हो गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो पैसे जमा कर पाएंगे, जैसे देखिए लिखा हुआ स्वीकार राशि 100 रुपये 500 रुपये 200 रुपये का नोट आप जमा कर पाएंगे, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ भी मिलता है। अब यहाँ पर जो भी पैसे आपके रहेंगे 500 रुपये के नोट, 200 रुपये के नोट, 100 रुपये के, सारे पैसे को आपको इस प्रकार से लेना है। जैसे मेरे सारे 100 रुपये के ही नोट हैं, इस प्रकार से आपको अपना सारा पैसा लेना है और सीधे सीधे एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर इस प्रकार से आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ प्रविष्ट करें जो लिखा हुआ है, आपको इसी ठीक सामने बटन दबा देना है। बटन दबाते ही देखिए बॉक्स बंद हो जाएगा, और ये एटीएम डिपॉजिट मशीन जो भी आप पैसे डाले रहेंगे वो उस पैसे को काउंटिंग करेगी, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ कृपया प्रतीक्षा करें, आप थोड़ा वेट करेंगे, ये आपके पूरे पैसे को काउंटिंग करेगी एटीएम डिपॉजिट मशीन। काउंटिंग करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से विवरण दिखा देगी, जैसे देखिए जो भी पैसे आपके एटीएम डिपॉजिट मशीन रिसीव की रहेगी यहाँ पर दिखेगा, जैसे नगद जमा विवरण, और उसके नीचे 100 रुपये का मेरा 5 नोट था, देखिए 5 नोट दिख रहा है, और टोटल यहाँ पर 500 रुपये बनता है, टोटल यहाँ पर 500 रुपये दिख रहा है। अब यहाँ पर साइड में ऑप्शन मिलेगा प्रविष्ट
पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे तो पैसे जमा हो जाएंगे आपके, ना और नगद जोड़े पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा और पैसे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे और जोड़े पर क्लिक करके मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखिए ये बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि हमारा जो पहले पैसा डाला था वो चला गया है और आप पैसे डालना चाहेंगे तो इस प्रकार से आप पैसे डाल सकते हैं या जो भी निकल के आए उस पैसे को दोबारा डाल सकते हैं। अब यहाँ पर प्रविष्ट करे पर क्लिक करेंगे तो बॉक्स बंद हो जाएगा, इस प्रकार से आप पैसे डाल देंगे, नहीं तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैं और ऐड नहीं किया था तो मेरा टोटल पैसा उतना ही है, आप जो भी ऐड करेंगे तो और यहाँ पे प्लस होके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पुष्टि करे कर जैसे ठीक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, आंतरिक प्रक्रिया चालू है, कृपया प्रतीक्षा करें। अब यहाँ पे ये एटीएम डिपॉजिट मशीन जो भी पैसा आपका रहेगा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी इमीडिएटली, यानी तुरंत आपके अकाउंट में वो पैसे को ये एटीएम डिपॉजिट मशीन डाल देती है। डालने के बाद आपको एटीएम डिपॉजिट मशीन से इस प्रकार से एक रिसिट भी निकल के आ जाएगी, यानी पावती निकल के आ जाती है जो भी पैसा आपका आपके अकाउंट में जमा हुआ रहेगा। देखिए जैसा ये मेरा निकल के आ गया, इसी प्रकार से आपको भी एक रिसीट यानी पावती मिल जाती है और एटीएम मशीन की स्क्रीन पर देखिए लेन देन पूर्ण हुआ लिखा भी मिल जाएगा। अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से आए अगला ऑप्शन में तो यहाँ पे रेट रेटिंग करने को ये बता रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आंतरिक प्रक्रिया चालू है। अब यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कृपया अपना कार्ड वापस ले। अब आप अपने एटीएम कार्ड को एटीएम डिपॉजिट मशीन से निकाल लेंगे इस प्रकार से, क्योंकि अब आपका लेन देन पूर्ण हो चुका है। जैसे कि देखिए एटीएम मशीन पे अब इस प्रकार से आ गया लेन। धन्यवाद। क्या आपने देखा, आप इसी प्रकार से स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने अकाउंट में एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसे जमा कर सकते हैं, जैसे मैं आपको ए टू जेड सारा प्रोसेस करके दिखा दिया। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें अपने अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तब आप अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करें अपने अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए। तो यही सारी जानकारी थी। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस जानकारी से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।